अंकित भाई फिर कैसा फील हो रहा है बताओ मुझे पहले। एक्साइटेड हो कल जाने के लिए फिर? अंकित भाई की जय जयकार, अंकित भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल अभी मैं आप एक भाभी से मिलाता हूँ जिन्होंने पिछोड़ा पहना हुआ है, वो है ये। What's up, this is Harry. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys doing absolutely fine. So guys, finally, कल रात को हम लोग यहाँ रुके थे और कल जैसा मैं दिखाया था कल वाले व्लॉग में कि कल अंकित भाई की मेहंदी थी और आज अंकित भाई के होने वाले हैं हल्दी हाथ और अतिथि सत्कार जो होता है ना, और शायद कल जो है अर्ली मॉर्निंग में बारात निकल जाएगी। फिलहाल तो जहाँ पर हम लोग रुकते हैं वो घर दिखाता हूँ पहले मैं, वो घर है कैसा, क्योंकि लोग आजकल माइग्रेशन कर रहे हैं ना जैसे पहाड़ों से लेके, और पहाड़ों में रहने के बाद वो रह रहे हैं प्लेन्स एरिया में, तो वो चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो पहले घर देखो कितना प्यारा है, कितना बड़ा घर है, और ये आंटी जी का घर है ये, और ये हमारे कुंदन भाई जी हैं, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे नरेंद्र भाई जी हैं। साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पे देखो बढ़िया सी। तो ये होता है कि जब आप एक गांव से शिफ्ट होके एक शहर में चलाते हो तो घर का ये हाल हो जाता है, और वहाँ अमित भाई साफ़ सफाई कर रहे हैं। सो फिलहाल तो कल व्लॉग जो एडिट कर दिए थे वो व्लॉग अपलोड करने जाना है हमने, और यहाँ पर नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमको एक लोकेशन पता चली है, सीक्रेट लोकेशन है कि जहाँ पर जाके हम लोग व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, नेटवर्क आ रहा है, तो सबसे पहले वो जाके काम करते हैं, फिर फ्रेश फ्रेश होके फिर हल्दी हाथ पे जाएंगे नीचे। ये गाइस यहाँ के पुराने पुराने घर देखने को मिलेंगे आपको, और गांव को मैं एक कल्चर बताता हूँ कि गाँव में ना रौनक बहुत रहती है, मतलब एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, सब खाने पीने से जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। इतनी सारी हरी मिर्चियाँ यहाँ पे भाई साहब, ये खेती वेती कर रही है ना इन लोगों ने, तो ये मिर्चियाँ सुखा रखी हैं देखो, यहाँ पे सुखा रखी हैं, कुछ यहाँ पे सुखा रखी है देखो। तो गाइस तिमल खाल की जो स्कूल है और उस गांव की जो स्कूल है वो ये है गढ़ी गांव। तो एक ये रीज़न भी है कि लोग जो है यहाँ से प्लान करते हैं, यू नो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज ना होने की रीजन से ना, पढ़ाई की फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल देखोगे तो आप कितने दूर दूर स्कूल है, तो फिर बंदा तो माइग्रेट करेगा ही ना, बट स्टिल उत्तराखंड में ये चीज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। A few moments later. मेहनत मुशक्कत करने के बाद फाइनली मैंने जो व्लॉग है वो पब्लिश कर दिया। इससे पहले वाला व्लॉग आपने देख दिया होगा, तो मैं था, नरेंद्र भाई थे और कुंदन भाई थे। भाई हमें पता है कि यहाँ पर वीडियो अपलोड करने में कितनी डिफिकल्टी हुई है भाई सच में, और फिलहाल हम लोग सीधा निकल रहे हैं बाने देने के लिए। अंकित भाई बाने देने बैठे हैं वहाँ पे, हल्दी वगैरह लगाते हैं, रेडी होते हैं, फटाफट वहाँ चलते हैं, वहाँ भी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। तो गाइस फाइनली वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग फटाफट नीचे गए, दो तीन शॉट क्लिक करे, और उसके बाद हम लोग आगे नहा धो के फ्रेश होने के लिए, और आप लोग देख सकते हो हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ, और साथ में है ये, और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा गेटअप, जरा पकड़ना ये दिखाओ, उंगली मत लगा कैमरे में। तो ये है हम दोनों का, मेरे साथ भाई पीला कुर्ते वाला कोई था नहीं, तो भाई लेके आके थे, भाई ने बोला मैं भी नहीं पहन रहा, मैं कहा पहनो यार, मैं पहन रहा हूँ तो पहनो। फाइनली हम लोग पहन के जा रहे हैं नीचे बाने देने के लिए, लेट्स गो। तो गाइस बाने देने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो देखो गढ़वाली कल्चर में जो बाने हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं देखो। हाँ अपलोड कर दी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से गए थे नीचे टावर के पास, टावर के पास जिस टावर में कुछ नहीं है, खाली तम्बू खड़ा है बस। फिलहाल अब इनकी फैमिली फोटो हो रही है, तभी आप जा रहे हैं
भाई अरे अरे अंकित भाई की जय जयकार। अंकित भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 रुपए की पेप्सी। अंकित भाई सेक्सी। भारत माता की भारत की। तो ये फाइनल हल्दी लग रही है जो दूल्हे को नहलाते हैं। ये सारी जो मम्मी बहनें बुआएं सारी चाची लोग हैं सब लोग सब मिक्स करके इनको नहला रहे हैं। अंकित भाई से कैसा फील हो रहा है ये बताओ मुझे पहले। एक्साइटेड हो कल जाने के लिए? फिर लड़की लेके आने वाले हो? भाभी आने वाली है। आपके वाले वाला कि बाने वगैरह हो गए, बाने देने के बाद दूल्हा मांगेगा भिक्षा, मतलब अपने घर वालों से मांगता है भीख इस तरह का, तो वो एक परंपरा है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा देना, थोड़ा 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 बस। ये मीठा के रूप में दिया जाता है, लड्डू वगैरह है, चावल वगैरह है, अरसे वगैरह मिक्स। यहाँ पर ना जितनी भी महिला वगैरह है ना, तो जैसे कुमाऊं और गढ़वाल में एक चीज का डिफरेंस है। कुमाऊं में क्या होता है कि लोग एक्स्ट्रा चीज डालते हैं पिछोड़ा, पर यहाँ पर पिछोड़ा नहीं है क्योंकि गढ़वाल में वो कल्चर नहीं है। तो मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आप लोग कुमाऊं में शादी अटेंड करते हो तो वहाँ पिछोड़ा होता है सबके पास? पिछोड़ा कंपलसरी है, जैसे कि जो भी परिवार के मतलब महिलाएं हैं और जो भी रिश्तेदार हैं, चेली बेटी जिसे बोलते हैं, तो सभी के पास पिछोड़ा होता है और होना भी अनिवार्य होता है। पर ये पिछोड़ा वही पहनती जो शादीशुदा होती है ना? अनमैरिड नहीं पहनती? नहीं, अनमैरिड नहीं पहनती, जो शादी शुदा होती है वो पहनती है। यहाँ पर एक ने पहना है, मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। तो ये भाभी हैं जिन्होंने पिछोड़ा पहन रखा है, बाकी आप सबको देखोगे तो किसी ने यहाँ पर पिछोड़ा वगैरह नहीं पहना हुआ, देखो किसी ने नहीं पहन रखा, बस एक ने ही पहन रखा है। भाई साहब सुबह से कहाँ हो तुम ये बताओ पहले? सुबह से हम गए थे, नीचे गए थे रोड में भी वीडियो अपलोड करने के लिए। हाँ, वो नहीं रही, यहाँ पे इंटरनेट आई नहीं भाई इस गाँव में, वो तो है। मैं अब देख रहा हूँ आपको, मतलब नीचे देखा था उसके बाद अब देख रहा हूँ आपको। सुबह उठ गए थे, काम कर रहे थे, फिर उसके बाद जब हल्दी बांधे शुरू हुए थे उस समय से हम उसके साथ में थे, आप लोग थोड़ा बाद में आए थे। फाइनली डांस वांस करने के बाद, हल्दी सेरेमनी देखने के बाद, अब फिलहाल भूख लगी है क्योंकि डांस भी करा है ना, तो थोड़ा भूख लगी। जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि गढ़वाल की ब्यूटी
एक लाइन में बैठ के खाना खाने वाले सब बैठ गए यहाँ पे। ऑलमोस्ट आधे लोगों ने खा लिया है, आधे लोग खा रहे हैं, तो जब जिसका मौका लगा तब खा रहे हैं। तो हमें अभी मौका लगा तो हमने भी खाना स्टार्ट कर दिया। खाने में सबसे पहले आया है मीठा चावल, मीठा भात बोलते हैं। वैसे भात तो गढ़वाली में ही बोलते हैं, तो चावल मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, तो भी मीठा भात बोलते हैं। वही जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पिछोड़ा वाला कल्चर है ना, वो मोस्टली कुमाऊं में फेमस है, ठीक है। और जैसे कि अब ना ट्रेडिशनल थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब गढ़वाल की तरफ आ रहा है ना, तो गढ़वाली के जो कल्चर है ना, मतलब गढ़वाल वाले जो है ना लड़कियां, विवाहित लड़कियां या शादीशुदा लड़कियां है ना, वो लोग भी पिछोड़ा पहनना स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल अभी मैं आप एक भाभी से मिलाता हूँ जिन्होंने पिछोड़ा पहना हुआ है, वो है ये। बिल्कुल, तो दोस्तों वैसे तो पहले ना कुमाऊं रीजन में सबसे ज्यादा फेमस होता था, लेकिन अभी ऑल ओवर उत्तराखंड में ये चीज पहनी जा रही है। ऑल ओवर उत्तराखंड छोड़ो, इंडिया में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एकदम गाना भी है रंगीली पिछोड़ी, तो मतलब बहुत ही सुंदर लगता है और हम लोग भी इसको पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ जो मैरिड का होते हैं ना वो ही पहनते हैं, मतलब कुमाऊं लड़के नहीं पहन सकते ऐसा है। और दूसरी चीज है, कुमाऊं रीजन में इसको पहनने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन हमें अभी इतना आइडिया नहीं है, हम तो बस अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को, थोड़ा वो कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उनसे ये भिक्षा मांगेंगे, जैसे चाची है, चाची है, ताई है, उनसे भिक्षा मांगी जाती है। सो बेसिकली अब क्या है कि जहाँ जहाँ इनके घर हैं, मतलब जहाँ जहाँ इनके मवासे हैं, सुहारे हैं, तो जैसे चाचा लोग, ताई लोग, ताऊ लोग, जितना भी इनका बड़ा परिवार है ना, उन सभी फैमिली मेंबर के जो लेडीज होती हैं उनको भिक्षा देती हैं। इसमें लेडी इंक्लूडेड होती हैं, नकी और कोई मतलब जेंट्स वगैरह। बेसिकली क्या है कि अभी अंकित भाई बोल नहीं सकते, अंकित भाई नहीं बोल सकते, सिर्फ हम लोग अंकित भाई से बात कर सकते हैं, अंकित भाई नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर चाची जी से भिक्षा मांगी जा रही है। चलो ये प्रक्रिया है, जो अभी अंकित भाई जी गांव में गए हैं ना भिक्षा मांगने के लिए, तो उस भिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे हमें कि भिक्षा क्यों मांगी जाती है, उसकी क्या मान्यता है। भिक्षा मांगने की सबसे बड़ी वो है कि जब गृहस्थ आश्रम में आदमी जाता है, उसको पहले हम यज्ञों का बीज देते हैं, यज्ञों पे भी तभी मैंने तीन दिया है, तीन मैंने रखा, फिर छह लड़का दे दूंगा तो उसको पूर्ण होता है, छह लड़का जनेऊ मिल गया। तो मैं गुरु होने के नाते पहले गुरु जी ने उसको भिक्षा लेने भेजा है, अब उनके घर में, अब उनके माता जी से, चाची जी से, जो भी उनके परिवार के हैं, ठीक, उनसे वो भिक्षा लेकर के आते हैं और उसके पश्चात वो फिर मेरे पास आ गए हैं। अब इसके पश्चात मैं भिक्षा लेने के पश्चात उनको मैं तीन लड़का जनेऊ और दूंगा, और उसके बाद वो पूर्ण ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। छह लड़का मैं उसको जने दे दूँ, तो अब वो भिक्षा लेके आए हैं, अब मैं उस भिक्षा को ग्रहण करूंगा यहाँ पे। तो आज से ऐसा है कि भाई आपने भिक्षा लेकर आ गए हैं, आज से आपका ग्रस्त आश्रम में जाने की तैयारी शुरू हो रही है। जो दूल्हा है आज विष्णु के रूप में उसका पूजन हो रहा है, और लक्ष्मी स्वरूपनी कन्या के घर हम जाएंगे, तो वहाँ से लक्ष्मी को लेकर आएंगे। कुंदन भाई, उनका क्वेश्चन था कि भाई लड़का भिक्षा क्यों मांगता है, तो ये रीजन पंडित जी ने बता दिया कि जो लड़का होता है, दूल्हा होता है, वो अपनी गृहस्थी में प्रवेश करता है, तो गुरु होने के नाते उनका काम होता है कि कुछ प्रक्रियाएं करवानी होती है, तो ये रीजन था। सो गाइस, दिन में हम लोग घर आए थे जहाँ पर हमारा स्टे था, बेसिकली इस वाले घर में। यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि भाई हम लोग सो गए, मतलब डेटा ट्रांसफर करा, ब्लॉग एडिट वगैरह करा और सो गए, और अब हम लोग ब्लॉग अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया हमें यहाँ पे,
और अब सर हम लोग नीचे जा रहे हैं अंकित भाई के घर पे, वहाँ जाके देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है। ये शगन मिलता है, ठीक है, जो भी गेस्ट होता है, तो बेसिकली जो भी गेस्ट होता है ना, जो शादी में जो आया होता है, तो उनको ये मिलता है। खाने के लिए बैठ गए और वैसे भूख लग गई थी। भाई यहाँ पर सब लाइट पे लग गए, देखो ये देखो सबके सब लग गए। सो गाइस फाइनली खाना आ चुका है और सबकी थालियों में लग गया है। पनीर बनाया, रोटी बनाया और सामने भी देखो अगर आप तो लेडीज लोग आगे बैठी हैं। मैंने स्पून मंगाया था और हमारे एसआर भाई लेके आ गए। आप क्या बोलते कि रोटी अब देखी नहीं होगी, पनीर देखी नहीं होगी, दोबारा बोल दो एक बार। उनका कुछ सरकाजम चलता रहता है भाई साहब। हलवा 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 कल खत्म हो गया था मेरे टाइम पे, ये डाल दो बस 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 बस। खाना वाना खा के हम लोग आगे हैं अपने कमरे में। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा ट्रांसफर करने वाला हूँ और यहाँ से मतलब जहाँ पर हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी यहाँ से अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं नीचे अंकित भाई के घर में, क्योंकि बोल रहे हैं कि 2:30 या 3 बजे के आसपास रात के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे शिमला, मतलब बारात निकल जाएगी शिमला के लिए। तो अभी हम लोग सारा सामान सामान पैक करके यहाँ से निकल रहे हैं और ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं से यहीं पर एंड करने वाला हूँ। और हम कल वाला जो व्लॉग होगा ना वो स्टार्ट होगा जब हम लोग ऑन द गो होंगे, बारात लेके जा रहे होंगे, तब हम मैं स्टार्ट करूंगा। तो होप आपको व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे होंगे ना तो गाइस कमेंट जरूर करना कि क्या अच्छा लग रहा व्लॉग में। मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश व्लॉग में वंस अगेन। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।